तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहता है कि एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ो। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। ये जो आदमी है वो इक्वेटर पे खड़ा है और ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है ना। स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये क्या है? अपेरेंट वेट मेजरमेंट करेगा। जो उस टाइम वेट होगा वो मेजरमेंट करेगा। जो एक्चुअल वेट होती है, एक्चुअल वेट वो तो होती है, क्या होती है एक्चुअल वेट? तो क्या होती है? एमजी। और अपेरेंट वेट क्या होता है? भाई जी के चेंज होने से वेट बदल जाता है। तो अपेरेंट वेट क्या होता है भाई? मास तो आदमी का वही रहता है, जी चेंज होता है, जी डैश। तो ये अपेरेंट वेट होता है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन इज द रीडिंग बैलेंस लेस देन इट्स ट्रू वेट। अगर कोई आदमी, देखो अभी अर्थ का जो डेटा है, जो हमें अर्थ का जो डेटा है, जो प्रेजेंट टाइम रोटेशन है, अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, अर्थ का जो टाइम पीरियड है 24 आवर, ठीक है, अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, या 6400 × 10³ मीटर, या ये जो डेटा है 64 × 10⁵ मीटर। तो इस रेडियस से, इस डेटा से, और जी की वैल्यू अर्थ के एक 9.8 लें हम लोग, तो ये जो डेटा है, जी इतना लूँ, रेडियस इतना लूँ, टाइम पीरियड, इस डेटा से अगर कोई इक्वेटर पे जाके खड़ा हो जाता है, तो उसकी जो पूछ रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन बैलेंस रीड लेस, कितना फ्रैक्शन कम रीड करेगा एक्चुअल वेट से। तो सबसे पहले जी चेंज रोटेशन की वजह से जी कैसे बदलती है वो देखो। तो रोटेशन जो है इफेक्ट करता है जी को, इफेक्ट जी, और वो जो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो ये तब होता था जब आदमी कहीं पी पॉइंट पर था, इक्वेटर पे नहीं था तब, ठीक है ना। कोई भी पर्सन है, वो यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये पॉइंट पी है और ये कुछ लैम्डा है। तो ये लैम्डा है और ये ओ है, तो ये वाली जो चीज़ है ये लैम्डा ही है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो लैम्डा, तो पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे अगर तुम देखोगे तो इतना होता है। जब आदमी इक्वेटर पे खड़ा हो जाता है, तो जब ये इक्वेटर पे आ जाएगा यार, तो इक्वेटर पे आने पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। एट इक्वेटर लैम्डा कितना आ जाएगा बोलो? जीरो हो जाएगा। तो जी की वैल्यू आ जाएगी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब वेट की बात करना है, तो वेट की बात करना है तो दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम जेड इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाली चीज़। तो अगर मैं एक बात करूँ, फ्रैक्शन निकालना है, तो ए एम जी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एम, ये तो कितना फ्रैक्शन वेट का, कितना फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं भाई? तो ये इतना कम रीड कर रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन निकालने के लिए जितना कम रीड कर रहा है एम जी डैश माइनस एम, उसमें एक्चुअल से डिवाइड कर दो, एम जी से डिवाइड कर दो, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आर ओमेगा स्क्वायर एम, और यहाँ से एम जी से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। तो एम एम यहाँ से कट जाएगा। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो यही ये फ्रैक्शन कम, माइनस साइन ये इसलिए आ रहा क्योंकि कम रीडिंग आ रही है। तो यहाँ से एम जी डैश माइनस एम अपन एम जी की जो वैल्यू है वो यही होगी। और सबकी वैल्यू डाल दो यहाँ से, तो सबकी वैल्यू डालोगे तो यहाँ से आर और ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई? ओमेगा इज इक्वल टू 2π t का स्क्वायर ओवर जी की वैल्यू डाल दो। तो ये सारी वैल्यू अगर डालोगे फिर कैलकुलेट कर लो, तो जो आएगा वही इसकी रीडिंग आएगा। तो चलो यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू डालता हूँ, तो आर, अब यहाँ से देखो तो आर की वैल्यू कितना है? तो आर की वैल्यू है 6.4 × 10⁶ मीटर, और 2π की वैल्यू 3.14, और डिवाइडेड बाई 24 आवर है। तो ये 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड का स्क्वायर डिवाइड करोगे, 9.8 से माइनस साइन कम रीडिंग के लिए आ रहा है,
तो कुल मिला के जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.0035 इतना फ्रैक्शन कम रीडिंग करेगा अपना जी की वैल्यू, जी डैश माइनस जी, इतना अपेरेंट वेट कम होगा, ठीक है ना। नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि जी डैश इज लेस देन जी, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इतना कम रीडिंग करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पार्ट ये कहता है, इफ द रीडिंग इज, अगर ओमेगा मैं बढ़ाता हूँ, देखो ओमेगा बढ़ाऊंगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी यार। जी की वैल्यू कम होगी तो दिन जो है वो कम होगा, दिन रात जो है वो कम होगा, चलो उसको अभी देखेंगे हम। तो अगर मैं ओमेगा बढ़ाता हूँ, इस तरह से बढ़ाता हूँ, रीडिंग बैलेंस हाफ ऑफ द ट्रू वेट, मतलब जो एक्चुअल वेट है इस समय पे उसका आधा है, अपेरेंट वेट एक्चुअल का आधा है, तो उस समय दिन दिन कितने का हो रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डे, तो ये पूछ रहा है। तो चलो पार्ट, दूसरा पार्ट इसका करते हैं हम लोग। तो अगर हम ओमेगा को इंक्रीज करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो चलो मान लो मैंने ओमेगा को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो अगर मैं ओमेगा को बढ़ाता हूँ पार्ट बी, तो ये कह रहा है कि जो रीडिंग है वो एक्चुअली, हाँ, जो रीडिंग, जो इक्वेटर पे जो रीडिंग आती है वो कितनी आती है, पहले ये देखो। तो जी डैश की वैल्यू आती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये एम जी डैश अपेरेंट दैट इज एक्चुअल माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कहता है जो एम जी डैश है, एम जी डैश है अपेरेंट वेट, एम जी की आधी है दैट इज गिवेन, ठीक है। तो दिन कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन कितना होगा, वही तो दिन बताएगा। तो एम जी डैश जो है एम जी की आधी हो गई, यहाँ से आ जाएगा एम जी और माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एम एम खत्म हो गया, यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस जी बाई टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी बाई टू। तो यहाँ से, तो अगर ओमेगा अगर मुझे निकालना है तो बेसिकली एम भी खत्म हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपन टाइम पीरियड टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई टू आ जाएगा। तो आर ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली, अगर देखोगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू अगर तुम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये जी बाई टू था ना, तो यह आ जाएगा 4। तो टाइम पीरियड की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ से 4 पाई स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2 और आर और अंडर रूट ए जी, तो कुल मिला के यहाँ से टाइम पीरियड, एक मिनट, यहाँ से पहले की रीडिंग आधी आ गई ना, तो यह आ जाएगा जी बाई टू एम आर ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से हाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी। तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो कुल मिला के ये सब अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है वो हमारा निकल आएगा, तो टाइम पीरियड सबकी डेटा रखो, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड तो वो आ जाएगा यहाँ से 2 पाई इधर बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई देख रहे हो, 2 भी बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के जो अंडर बच जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स आर और जी ये। तो ये जो टाइम पीरियड है ये इस टाइम होगा, तो ये आ जाएगा 2π 3.14, और यहाँ से 2 और रेडियस 6.4 × 10^6, और जी की वैल्यू यहाँ अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 ले लेता हूँ, तो जो टाइम पीरियड आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर। तो उस समय दिन जो है 2 घंटे का होगी और रात भी 2 घंटे का होगा, अगर इसका अपेरेंट रीडिंग एक्चुअल की आधी हो जाती है तो, और ओमेगा बढ़ाओगे तो। ऑब्वियसली आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।